पेट्रोल डीजल रसोई गैस के मूल्यों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ केंद्र की बीजेपी सरकार के विरोध में मंगलवार को टाउन हॉल फव्वारा स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। पूर्व महानगर सचिव कमलजीत यादव की अध्यक्षता में किए गए इस धरने में भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला मीडिया प्रभारी प्रवीण चौधरी, वेंकटेश्वर नाथ तिवारी, सिराजुद्दीन हुसैन, हाजी शकील अंसारी, विकास यादव, सुरेंद्र निषाद, इम्तियाज अहमद सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए हाजी शकील अंसारी ने कहा, जिंदाबाद जिंदाबाद, लगाओ रोक, लगाओ रोक, लगाओ महंगाई पर रोक, लगाओ रोक, लगाओ रोक, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डीजल का दाम कम करो, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो। हाजी शकील अंसारी, पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। आज हम समाजवादी पार्टी के सभी साथी इस गांधी प्रतिमा पर बढ़ती महंगाई के विरोध में एक दिवसीय धरने पर हम लोग बैठे हुए हैं और केंद्र सरकार, राज्य सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि लगातार जो गैस के दाम, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, कहीं न कहीं जनता पर एक्स्ट्रा दबाव बढ़ रहा है, उनके रोजी रोटी की परेशानी बढ़ रही, महंगाई चरम सीमा बढ़ रही है, तेल का दाम सिर्फ सरकार जो है उद्योगपतियों पर तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए तेल का दाम रोज बढ़ाया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार दाम बढ़ रहा है, कहीं न कहीं ऑयल कंपनियों को फायदा हो रहा है, 1.70 रुपये पर लीटर कहीं न कहीं सरकारी कंपनियां, जो तेल कंपनियां फायदा कमा रही हैं और जनता जो है, गरीब जो किसान है, सब परेशान है डीजल का दाम बढ़ने की वजह से। हम मांग कर रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी के लोगों की मांग है सरकार से कि कम से कम 20 से 25 रुपये जो दाम बढ़ाया गया है, उस दाम को पुनः एक बार 2014 के बराबर फिर किया जाए। हम सभी लोगों की यही एक मांग है।